Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी, 100 करोड़ कमाने वाली हुई डबल। रिलायंस HDFC में तेजी, 330 अंक चढ़ा सेंसेक्स। एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के दूसरे छमाही के परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 5,864 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। 2023 में यह राशि 5,330 करोड़ रुपए थी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 19% सालाना और 3% प्रति छमाही बढ़कर 2024 की दूसरी छमाही में 12,315 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2023 में यह राशि 10,360 करोड़ रुपए थी। 2024 के लिए इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.11% था, जो 15 BPS सालाना और 1 BPS क्वार्टरली बढ़ गया है। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में अत्यधिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और इस विपरीत माहौल के बावजूद हमारा मानना है कि भारत की विकास यात्रा मजबूत बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में टैक्स पेयर की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे पता चलता है कि लोगों के इनकम में ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं आयकर विभाग के डाटा के मुताबिक भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या दोगुनी हुई है। इसके साथ ही ITR फाइल करने वाले भी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़े हैं। इनकम टैक्स डाटा के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2021-22 में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की कमाई करने वाले अरबपतियों की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़कर 16 हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 100 करोड़ रुपए कमाई वाले लोगों की संख्या 100% बढ़ी है। डाटा के मुताबिक 16 अरबपतियों की कुल कमाई 2,569 करोड़ रुपए है, जिसमें से प्रत्येक का औसत डेटा निकाले तो पता चलता है कि हर एक की सालाना कमाई 160.57 करोड़ रुपए है। उल्लेखनीय करने वाली बात यह है कि वित्त वर्ष 2020 में 100 करोड़ की कमाई करने वाले लोगों की संख्या 20 थी। वित्त वर्ष 2022 में 6.75 करोड़ लोगों ने ITR भरा है, जिनकी कलेक्टिव क्रॉस इनकम 69.6 लाख करोड़ रुपए है। 599 टैक्स पेयर्स ने कुल आय 500 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की, जिनकी कुल क्रॉस इनकम 13 लाख करोड़ रुपए थी। IT विभाग के डेटा के मुताबिक ITR फाइलिंग कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। बीमा कंपनियों को किसी पॉलिसी के बुनियादी पहलुओं जैसे बीमित राशि और पॉलिसी में कवर किए गए खर्चे के साथ दावे के बारे में 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी धारक को जानकारी मुहैया करानी होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एडा ने बीमा धारकों को खरीदी गई पॉलिसी की बुनियादी बातों को आसानी से समझाने के लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र को संशोधित किया है। बीमा नियामक ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को भेजे गए एक परिपत्र में कहा कि संशोधित ग्राहक सूचना पत्र 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। प्राधिकरण ने कहा कि पॉलिसी धारक के लिए खरीदी गई पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है। नवंबर महीने में बैंक के साथ साथ स्टॉक मार्केट के बीच छुट्टी रहने वाली है। नवंबर में स्टॉक मार्केट 10 दिनों के लिए बंद रहने वाला है। BSE और NSE के अभ्यर्थी दल के मुताबिक 10 दिनों की छुट्टी में त्योहारों शनिवार और रविवार शामिल है। हालांकि दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। 14 नवंबर मंगलवार को दिवाली के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा। 27 नवंबर सोमवार के दिन गुरु नानक जयंती के दिन बाजार बंद रहेगा। 4 नवंबर और 5 को शनिवार और रविवार है, इसलिए बाजार बंद रहेगा। 11 नवंबर शनिवार और 12 नवंबर रविवार पड़ेगा। 12 नवंबर को 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। 18 नवंबर को शनिवार और 19 नवंबर को रविवार है। साथ ही 25 नवंबर को शनिवार और 26 नवंबर को रविवार है। और यही वजह है कि इन 10 दिनों के लिए स्टॉक मार्केट नवंबर महीने में बंद रहेगा। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही है। सेंसेक्स 330 अंक चढ़कर 64,113 पर और निफ्टी में 94 अंकों की बढ़त लेकर 19,141 पर बंद हुआ है। बाजार में लिवाली का जोर रिलायंस HDFC बैंक और ICICI बैंक के शेयरों की अगुवाई खरीदारी निकलने की वजह से देखने को मिला। वहीं मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी, 100 करोड़ कमाने वाली हुई डबल।
रिलायंस HDFC में तेजी, 330 अंक चढ़ा सेंसेक्स। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।